Hello everyone, this is CS Deepanshu Saxena. Welcome to my YouTube channel. As you all know that I used to make videos over social topics और साथ साथ videos बनाता हूँ ताकि लोगों को aware कर पाऊँ, लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बता पाऊँ जो उन तक नहीं पहुँच पाती हैं. सो प्रेजेंटली हम सब ये देख रहे हैं कि जिस बीमारी के तहत हम सब गुजर रहे हैं और पूरा देश इवन पूरा दुनिया जिस बीमारी के तहत गुजर रही है, दैट इज़ COVID-19. उस वजह से हमारे देश में पूरे दुनिया में कितनी मौतें हो रही हैं और यू नो कितने ज़्यादा क्राइसिस हम लोगों को झेलने पड़ रहे हैं. सो एक फ्रेज कहा गया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. सो उसके लिए एक अवेयरनेस निकालने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया. दैट इज़ माय यू नो टॉपिक फॉर द वीडियो इज़ कोविड वर्सेस इम्यूनिटी. अब मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है बॉडी का वो किस तरीके से वर्क करता है और किस अब मैं आपको समझाना चाहता हूं एक एग्जांपल के थ्रू. देखिए नॉर्मली एक मान लेते हैं एक जो घर होता है यू नो हाउस यू नो विच इज़ बीन यू नो बिल्ट विद वॉल्स एंड ऑल एंड उसमें जो लोग रहते हैं द फैमिली मेम्बर्स जो उसमें रहते हैं बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट वी एक्चुअली डू द थिंग इज़ कि जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली होते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को हम लोग फॉलो करते हैं और उस हिसाब से हम लोग उस घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. लाइक फॉर से कि हम अपने घर में सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री देते हैं जिन लोगों को हम जानते हैं या जिन लोगों को हमारे हेड ऑफ द फैमिली ने बताया हुआ है, रिकग्नाइज़ किया हुआ है कि ये लोग वो हैं जिनको आप अपने घर में एंट्री दे सकते हैं. सो स्ट्रेंजर्स आर नॉट अलाउड. हम लोग अपने घरों में लॉक सिस्टम लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी तरह की चोरी ना हो पाए घर में, इसलिए हम लोग लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं. इन केस आप समझिए कि अगर आप लॉक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा घर जो है वो अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा और साथ साथ जो हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगे. सो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू रिकॉग्नाइज द पीपल जो हमारे घर में एंटर कर रहे हैं ताकि हमारी सेफ्टी बनी रहे. हम सिर्फ उन लोगों को अपने घर में एंटर देते हैं जिनको हम जानते हैं या जिनको हम पहचानते हैं. स्ट्रेंजर्स आर नॉट अलाउड, जैसे मैंने आपको पहले बताया. तो देखिए बिल्कुल उसकी प्रोटेक्शन की तरह जिस तरीके से हम अपने घर को बचाते हैं उसी तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. देखिएगा मैं दोनों एग्जांपल को यू नो एक साथ कोरिलेट करता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा. जो घर का हेड मैंने आपको बताया था फैमिली का, वो क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है ताकि हम लोगों को रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये हमारे जानने वाले हैं या ये हमारे करीबी हैं. उसी तरीके से जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वही हमारी बॉडी का एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो उन बीमारियों को रिकॉग्नाइज करता है जो बीमारी एक बार बॉडी के अंदर एंटर करती है. बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अलग अलग तरह के लोग हमारे घर में आते हैं तो हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि जब ये दोबारा आएंगे वी विल ओपन द डोर्स फॉर देम. उसी तरीके से जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी अलग अलग बीमारियों को रिकॉग्नाइज करता है और हम अपने यू नो बॉडी के अंदर एंटर करने का उसको मौका देता है और उसे फाइट बैक करके उसको वापस कर देता है. इन केस अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगी, बिल्कुल सेम तरीके से अगर आपके घर का जो यू नो हेड ऑफ द फैमिली है वो स्ट्रांग नहीं होगा तो आपके घर को नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे. बिल्कुल उसी तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम को आपको स्ट्रांग रखना है. अगर आप इम्यूनिटी सिस्टम को अपने स्ट्रांग नहीं रखोगे तो बीमारियों के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. टेक्निकली देखा जाए तो इम्यूनिटी सिस्टम इज़ द हेड ऑफ यू नो आर बॉडी जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. अब देखिए मैंने आपको समझा दिया कि इम्यूनिटी सिस्टम एक्चुअली में काम कैसे करता है. अब इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए दो तीन चीज़ें हैं मेनली आपको करनी है जो बहुत नॉर्मल है. देखिए जैसे कि आपको एक्सरसाइज करनी है, यू नो यू नीड टू हैव प्रॉपर डाइट, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर नैप ऑल टुगेदर. सो दीज आर द थिंग्स जो आप करोगे तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा. और लास्टली जो हमारे जो विटामिन डी होती है ना वो बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होती है, बॉडी के पार्ट्स के लिए उनको स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. तो आप विटामिन डी का भी इनहेल कर सकते हैं. देखिए ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है ऑल टुगेदर, मैंने इसमें किसी तरह के बायोलॉजिकल टर्म
का यूज़ ना करके आपको बताया कि इम्यूनिटी सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा पर्पस है कि लोगों को अवेयर करूँ। देखिए, ये वीडियो बेसिकली दो कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द थॉट प्रोसेस ऑफ दोज कैटेगरी ऑफ पीपल आर यू नो वेरी रिजिड। सॉरी टू से दैट, बट यस एग्जैक्टली, वो बहुत रिजिड है। जैसे कि जो आपके यंग बच्चे होते हैं और जो आपके 50 प्लस के जो ह्यूमंस हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा अनअवेयर हैं इस चीज़ के बारे में और प्रिवेंशंस बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से मैक्सिमम जो यू नो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है इस कोविड के वजह से, वो इन दोनों कैटेगरीज के लिए मैक्सिमम परसेंटेज हो रही है। ऑल टुगेदर कोविड इज़ अ डिज़ीज़ जो हम सबके लिए हार्मफुल है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए हार्मफुल है। हम सबको प्रिवेंशन लेनी है, बट इन दोनों कैटेगरी पीपल को ज़्यादा लेनी है। और क्यों लेनी है, उसका भी एक रीज़न है। देखिए, जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो बच्चों के अंदर इनिशिएट करता है, इसीलिए अभी वो स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा उस इम्यूनिटी सिस्टम की नहीं है कि इन इस तरह की बीमारियों से वो टैकल कर सके। जो 50 प्लस वाले लोग हैं, उनके लिए क्या दिक्कत है, उनके लिए ये दिक्कत है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम उनकी लाइफ में इनिशिएट हुआ, स्ट्रेंथ हुआ, और वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ रहा है, इस वजह से उनकी लाइफ को ज़्यादा दिक्कत है। जो मीडियोकर एज वाले हैं, 20 to 40 के अराउंड वाले लोग हैं, उनके लिए क्या है कि जो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो बैलेंस है, इसलिए वो लोग थोड़े से यू नो इस सिचुएशन में सेफ है। ऑल टुगेदर यू नो सेफ कोई नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं। ऑब्वियसली ये बीमारी है, वो किसी को भी हो सकती है। सो इट इज़ यू नो नॉट फॉर वन इंडिविजुअल, ये पूरे यू नो पूरे कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए है। सो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे यू नो विनती है कि आप सब थोड़ा सा यू नो प्रिकॉशंस लें, आप थोड़ा सा अपनी थॉट को रिजिड ना बनाएं, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करें। जो लोग कह रहे हैं आपसे, वो उसको फॉलो करें कि कोरोना हमारे नहीं आएगा या कोविड हमारे नहीं आएगा। दिस इज़ ऑल अ थॉट विच इज़ वेरी रिजिड। अपने इम्यूनिटी सिस्टम पे काम करें। लोग आपको बता रहे हैं अगर कि आपको ये इनहेल करना चाहिए फॉर बेटरमेंट ऑफ योर इम्यूनिटी, और स्टे हेल्दी, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। दिस इज़ द ओनली ऑप्शन विच वी हैड यू नो लेफ्ट ओवर। सो ध्यान दें, बिकॉज इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग विद एनीबडी, सो उनकी फैमिली को बहुत नुकसान होने वाला है, जिसका यू नो जो भी लॉस है वो कोई भी बियर नहीं कर पाएगा। सो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और इस वीडियो को ध्यान से यू नो टेकअप करें। और प्लीज़ फिर से लास्ट में यही बोल रहा हूँ कि अपने थॉट को थोड़ा सा बदलें, रिजिड ना रहें, और इम्यूनिटी सिस्टम पर काम करें। दिस इज़ द ओनली वे विच इज़ लेफ्ट। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, हेल्दी। थैंक यू।